हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैप्पी स्माइल कुकिंग। आज हम फ्रेस्को का मशहूर पराठा बना रहे हैं और आप इसको सहरी में बनाइएगा और एंजॉय कीजिएगा। इसके लिए मैंने एक पैन में 2 खाने के चम्मच तेल ले लिया है, साथ में इसमें हमने 1 मीडियम साइज़ की चॉप की भी प्याज डालनी है, अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है 1/2 चाय का चम्मच और इसमें 2 ग्रीन चिली बारीक चॉप की भी वो डालनी है। इसको अच्छी तरीके से भून लेना है और अब इसमें हमने 300 ग्राम यानी 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा कीमा है चिकन का वो डालना है, 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच रोस्टेड ज़ीरा है, 1/2 चाय का चम्मच गरम मसाला। तमाम चीज़ों को डाल के हमने इसको फ्राई कर लेना है। कीमा हमारा बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, इसमें पानी नहीं होना चाहिए। लास्ट में इसमें हमने हरा धनिया डालना है और ये हमारा चिकन का कीमा तैयार है। अब इसके लिए हमने डो बनानी है। पराठे के लिए 3 कप मैदा ले लिया है, 1 चाय का चम्मच चीनी, 1 चाय का चम्मच नमक और 2 से 3 खाने के चम्मच इसमें ऑयल डालना है। इसको मिक्स करना है और थोड़े थोड़े पानी से इसको हमने गूंद लेना है ताकि पराठे का हमारे डो तैयार हो जाएगी। दोनों चीज़ें बहुत झटपट से आपकी बन सकती हैं। कीमा आप रात को बना लें सहरी में ताकि गर्म गर्म ये पराठे बनाएं और एंजॉय करें। और अब मैंने दरमियाने साइज़ का पेड़ा लेके इसको बेलना है, पतला बेलना है, ज़्यादा मोटा नहीं रखना। और जो कीमा मैंने बनाया था इसको सेंटर में हमने इसको फैला लेना है, आप देख सकते हैं। और अब हमने इसमें 1 अंडा डालना है, आराम से डालना है और फौरन ही इसको फोल्ड करना है स्क्वायर में। और बाकी इसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है बाइंडिंग की, इसी तरीके से अच्छे तरीके से बाइंड हो जाएगा। और अब मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल लिया है और इसको स्क्वायर पराठे को इसमें डाल के हमने फ्राई करना है, मगर बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालने की ज़रूरत है, थोड़ा थोड़ा डालते जाएँ और उसको सेकते जाएँ और स्लो आँच पर। और अब हमारा ये यमी सा मज़ेदार कीमा अंडे का पराठा तैयार है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।